बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन में हम चार बेसिक एप्लीकेशंस इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें एक तो टॉरेसलिस थ्योरम है, फिर वेंट्री रिलेशन है, फिर वेंट्री मीटर है, और फिर है द टॉपिक ऑफ ब्लड फ्लो। टॉरेसलिस थ्योरम स्टेट्स that the speed of efflux when a water leaks out from a small hole is equal to the velocity gained by the fluid in falling through a height h1 minus h2 under the action of gravity. अब लेट्स से कि आपके पास एक कंटेनर है पानी का जो किसी टोटल h1 हाइट तक फिल्ड है, और इस फ्लूइड में हमने एक टैप या एक ऑरिफिस क्रिएट किया है एट सम हाइट h2। सो लेट्स से यहाँ पर हाइट h2 है। अब इस ऑरिफिस में से जो फ्लूइड इमिट होगा या इमर्ज होगा उसकी स्पीड किस हाइट पर डिपेंड करेगी, टोटल h1 पर या h2 पर? इन दोनों पर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि वो इन दोनों हाइट्स के डिफरेंस पर डिपेंड करेगी। यानी हमें टोटल हाइट h1 में से टोटल h2 हाइट जो है उसे माइनस करना पड़ेगा। सो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस पर जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स है वो डिपेंड करेगा। अब इसको यूँ इमेजिन करें कि अगर होल बिल्कुल बॉटम में है तो पूरी हाइट इन्वॉल्व होगी, फिर हम यहाँ पर h1 कंसीडर करेंगे, h2 जो है वो इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। सो कंप्लीट हाइट के लिए, या जब ऑरिफिस बॉटम में है उसके लिए जो इक्वेशन है वो यूँ मॉडिफाई होगी कि v इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2gh। अच्छा, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी यही इक्वेशन डिराइव होती है, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2gh। कि अगर हम इस हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दें तो ग्राउंड तक पहुंचने पर वो कितनी स्पीड अटेन करेगा, वी आई हम ज़ीरो रखते हैं, वी गेट द आंसर वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। सो एक सिंपल कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या है कि अगर h हाइट पर फ्लूइड लेवल एग्जिस्ट कर रहा है तो बॉटम से जो फ्लूइड की स्पीड है वो भी 2gh, और अगर उतनी हाइट से हम किसी बॉल को थ्रो करेंगे तो ग्राउंड तक पहुंचने में उसकी स्पीड भी 2gh होगी। सो ये वो स्पीड है जो फ्लूइड गेन करता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, या ऑब्जेक्ट्स अटेन करते हैं व्हेन दे फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब ये तो केस है कि जिसमें होल जो है वो बिल्कुल बॉटम में एग्जिस्ट कर रहा है। इन केस के अगर आप इस ऑरिफिस का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ा दें, कि ये आपके पास कंटेनर है, ये वाटर लेवल है, और यहाँ से वाटर इजेक्शन है। अब ये डिफरेंस उतना तो नहीं है जितना बॉटम में था, लेकिन साइडवेज पर जो भी ऑरिफिस एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पर ये डिफरेंस h1 माइनस h2 है। अगर इसी ऑरिफिस को हम यहाँ से रिमूव करके थोड़ा सा बुलंदी पर ले जाए, कि लेट से हम इसे यहाँ पर ले आते हैं, तो देखें हाइट h2 बढ़ रही है, डिफरेंस पहले से कम होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर इस होल को और ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए, h2 और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, हमारे पास ये डिफरेंस और ज़्यादा कम हो जाएगा, और जितना ये डिफरेंस कम होता जाएगा स्पीड भी उतनी ही कम होती जाएगी। सो व्हाट्स द बेटर ऑप्शन? अगर आपको ज़्यादा स्पीड लेनी है तो ऑरिफिस जो है उसे बॉटम के करीब रखें, और अगर आपको कम स्पीड लेनी है तो ऑरिफिस जो है उसको टॉप के करीब रखें। अब जितने वाटर कूलर्स बनाए जाते हैं उनमें जो टैप्स होती हैं वो बिल्कुल बॉटम पर कनेक्ट होती हैं। कूलर अगर मुकम्मल तौर पर भरा हुआ है तो फिर जो हाइट लेवल h1 है और जो हाइट लेवल h2 है वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। अब वाटर कूलर में क्या होगा कि पानी का लेवल कम होता जाता है, पानी का लेवल कम होने की वजह से h1 जो है ये कम होना शुरू हो जाता है,
सो एच वन के कम होने से भी ये डिफरेंस कम होगा। सो दोनों चीज़ों को गौर से देखें कि अगर ऑरिफिस शिफ्ट होता है अपवर्ड तो एच टू इनक्रीज करता है जिससे डिफरेंस कम होता है, अगर वाटर लेवल डाउनवर्ड आता है तो एच वन डिक्रीज करता है जिससे वाटर लेवल डिक्रीज कर जिस विल फ्लूड स्पीड जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर जाती। सो एच टू के इनक्रीज करने से या एच वन के डिक्रीज करने से इस डिफरेंस पे फ़र्क पड़ेगा और ये डिफरेंस कम होगा। इस डिफरेंस के कम होने से जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। सो अगर आपको यूँ क्वेश्चन आए कि एक कंटेनर के एक साइड पर चार होल्स हैं डिफरेंट हाइट्स पर, एक होल बॉटम के करीब है और एक होल टॉप के करीब है, सबसे ज़्यादा स्पीड होगी वहाँ में उस होल में जो बॉटम के करीब है, सबसे कम स्पीड होगी उस होल पे जो टॉप के करीब है। तो स्पीड जो है, अब इसके कुछ हम फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। इसमें एक और बात भी इम्पॉर्टेंटली याद रखनी है कि अगर आपके पास सेम हाइट पर दो होल्स हैं तो वाटर का लेवल जो है या वाटर का जो मास है वो दो साइड्स पर डिवाइड होगा। सो अगर एक ऑरिफिस से स्पीड वी थी, अब दो होने की वजह से और सेम हाइट पर होने की वजह से इससे भी स्पीड वी बाय टू होगी और इससे भी स्पीड वी बाय टू होगी। तीन होल्स एक ही हाइट पर एग्जिस्ट करेंगे तो हर होल में से स्पीड होगी वी बाय थ्री। सो अगर हम एक कंटेनर की एक ही हाइट पर एन नंबर ऑफ होल्स क्रिएट कर दें तो स्पीड विल रिड्यूस टू वी बाय एन, यानी जितने ज़्यादा होल्स क्रिएट कर दिए जाएंगे इसमें सेम हाइट पर स्पीड उतने टाइम जो है वो हर होल से कम हो जाएगी। ये एक और कॉन्सेप्ट हो गया। इसी तरह जो कंटेनर्स में फ्लूइड की स्पीड है ये ऑरिफिस के एरिया पर भी डिपेंड करती है। जैसे हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट ऑफ ए वी शुड रिमेन कांस्टेंट। सो अगर तो हमारे पास एक ऑरिफिस का एरिया स्मॉल है तो उससे स्पीड ज़्यादा होगी, और अगर हम उसी ऑरिफिस के एरिया को बड़ा करना शुरू कर दें तो स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये ऑरिफिस के एरिया पे भी डिपेंड करती। फिर इसी तरह एक कॉन्सेप्ट आता है रेंज का। कि आप एक ऑरिफिस में डिफरेंट हाइट्स पर होल्स क्रिएट कर देते हैं, कहां से निकलने वाला फ्लूइड जो है वो सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरेगा। सो यहां पर जहां स्पीड मैक्सिमम होगी उसी जगह पर रेंज भी हमारे पास मैक्सिमम होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है ये एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पर डिपेंड करती। सो जहां पर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैक्सिमम होगी रेंज भी वहीं पर उतनी ज़्यादा होगी। अब ये रेंज फाइंड कैसे की जा सकती? इस रेंज को फाइंड करने के लिए हम दो अजम्पशन यूज करते हैं कि लेट अस से वी हैव टोटल हाइट ऑफ द कंटेनर एज कैपिटल एच एंड द हाइट ऑफ ऑरिफिस इज स्मॉल एच। सो यहां से जो निकलने वाली स्पीड है वो होगी अंडर रूट 2gh-h। सेम इसी तरह इस सर्टन हाइट से अगर किसी ऑब्जेक्ट को फॉल करवाया जाए तो उसके लिए इक्वेशन होगी h इज इक्वल टू 1/2gt2, और यहां से टाइम की इक्वेशन बनेगी t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g। सो ये फ्लूइड कितने डिस्टेंस तक जाके गिरेगा उस डिस्टेंस x को फाइंड करने के लिए आप सिंपली s x इज इक्वल टू वी टी से इसे सॉल्व कर सकते हैं v एंड t। अब v इक्वेशन में आपने ये वाला फार्मूला लिखना है और t की जगह पे आप ये फार्मूला लिखेंगे तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ x एज 2
अंडर रूट एच इंटू एच माइनस एच. सो दैट्स द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ फ्लूइड थ्रू दैट कंटेनर. ड्रीम मेडिकल कॉलेज या पाकिस्तान की किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को 100% सिक्योर करना चाहते हैं, यू गाइस मस्ट जॉइन टॉप ग्रेड. आई एम हिरा उस्मान फ्रॉम साहिबवाल. आई हैव सिक्योर्ड 92.6% एग्रीगेट इन एमडीकेट 2023 एंड आई एम एक्साइटेड टू गेट एडमिशन इन माई ड्रीम मेडिकल कॉलेज. टॉप ग्रेड इज पाकिस्तान नंबर वन ऑनलाइन अकेडमी दैट हैज हेल्प थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जस्ट लाइक यू टू सिक्योर एडमिशन in their dream medical colleges and university. Assalamu alaikum, mera naam Qadas Maryam hai aur mera is saal admission Allama Iqbal Medical College Lahore mein hua hai. Jo top grade ki jo mujhe baatein pasand thi na, ek usme recorded lectures the, main raat ko 12 baje bhi on karti thi na aur main unki speed bhi badha leti thi, main 2x speed bhi chala leti thi unhe. Asal mein isme ye hota hai ki isme video lectures na recorded pade hote hain aur video lectures jis bande ne record karwaye hain na uska naam hai Dr. Muazzam Manzoor aur wo bhi khud bhi Allama Iqbal ka graduate hai MBBS doctor hai. तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बनाते हैं वो. स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे, उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उन वो टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के, वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर लेक्चर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती थी. Top Grade is the brainchild of Dr. Muazzam Manzoor, who is a medical doctor and a passionate teacher. I am Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I have developed Top Grade app so as to make your exam preparation easier, enjoyable and affordable. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, Here you can see in diagram के जिस fluid का जिस orifice की existence near bottom है उससे speed भी ज़्यादा होगी, range भी ज़्यादा होगी, और जो orifice at the top exist कर रहा है उससे speed भी कम होगी और range भी कम होती जाएगी. Torreslis theorem जो है ये घरों में भी use होता है कि जब हम घर बनाते हैं तो जो water tanks हैं उन्हें घरों के टॉप पर रखते हैं ताकि जहाँ पर भी टैप यूज़ हो वहाँ पर पानी का जो लेवल है या पानी का जो हाइट है वो ज़्यादा हो. और जितनी ज़्यादा हाइट होगी, जैसे इक्वेशन में भी आपने देखा कैंडर रूट 2g और हाइट डिफरेंस है, लेट्स हम यहाँ पे हाइट ही सपोज कर लेते हैं, ये जितना ज़्यादा हाइट का फैक्टर होगा, ये सिंपल हाइट हो या हाइट डिफरेंस हो, दोनों सूरतों में जो डायमेंशंस ऑफ लेंथ हैं वो जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा स्पीड जो है वो टैप से एग्जिस्ट हमें हासिल होगी. इसी तरह डैम्स जो हैं इनको भी बहुत हाइट पर बनाया जाता है, एक तो पानी का लेवल बहुत ज़्यादा स्टोर हो और फिर जब पानी को बहाव दिया जाए तो पानी मैक्सिमम स्पीड पर फ्लो कर सके ताकि वो टर्बाइंस को घुमाएं और टर्बाइन से हम जनरेटर जो हैं उनको रन कर सकें. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ये है वेंट्री इफेक्ट, जिसे बर्नौलिस प्रिंसिपल भी कहते हैं. अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इन नेचर के वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज हाई द प्रेशर विल बी लो. इसकी मिसाल आप यूं इमेजिन करें कि आप दो कागज़ लें और उन कागज़ों को अपने सामने यूं पैरेलल सामने रख लें. अब आप अगर उन दोनों कागज़ों के दरमियान फूंक मारेंगे या उसमें से हवा पास करवाएंगे तो आपके ख्याल में वो कागज़ एक दूसरे के करीब आएंगे या एक दूसरे से दूर हटेंगे. विदाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बर्नौलिस प्रिंसिपल हमें यूँ लगेगा कि अगर उन दोनों कागज़ों के दरमियान से हम हवा गुजारें तो ये दोनों कागज़ एक दूसरे से दूर हट जाएंगे, लेकिन अगर आप ये प्रैक्टिकल करके देखें तो बिल्कुल इससे अपोजिट होगा, वो दोनों कागज़ एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे. प्रिंसिपल जो यूज़ आ रहा है यहाँ पर वो ये कि जहाँ फ्लूइड स्पीड हाई हो जाएगी वहाँ पर प्रेशर लो हो जाएगा और साइड्स पर जो प्रेशर है वो कंपैरेटिवली हाई होगा और फोर्स हमेशा लगती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ. सो इस आइडिया को हम और बड़ी एग्जांपल से अभी समझने वाले हैं. ये वो सिंपल एग्जांपल है जो आप इजीली दो पेपर्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं. अब हाई प्रेशर, जैसे यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो फ्लूइड स्पीड कम होगी और जहाँ फ्लूइड स्पीड कम होगी वहाँ पर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा. इसी तरह जहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया है यानी एरिया कम हो गया है वहाँ पर फ्लूइड स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और जो प्रेशर है वो लो हो जाएगा.
सो ये जो प्रेशर है ये पाइप में वेरी करता है विद एरिया टू एरिया, क्योंकि एरिया बड़ा होगा स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो प्रेशर हाई होगा। इसके कन्वर्सली कि अगर एरिया स्मॉल है जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी और जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ये प्रेशर डिफरेंस क्या क्या रोल प्ले करता है डिफरेंट एग्जाम्पल्स में देखते हैं। जैसे वेंट्री इफेक्ट इन कार एंड ट्रक है कि अगर एक कार और एक ट्रक बहुत स्पीड से मूव कर रहे हैं रोड पर तो उनके दरमियान जो एरिया एग्जिस्ट कर रहा है वो स्मॉल है, तो यहाँ से एयर फ्लो जो है वो बहुत स्पीडली होगा और जहाँ एयर फ्लो स्पीडी होगा वहाँ पे प्रेशर लो होगा। साइड्स पर चूँकि हवा को ज़्यादा एक्सपेंशन मिली हुई है इसलिए एरिया ज़्यादा होने की वजह से स्पीड कम है और प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। सो एक कार और ट्रक जब बहुत स्पीड से एक दूसरे के करीब गुजरते हैं तो उनके आपस में टकराने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं ड्यू टू डिफरेंस ऑफ प्रेशर। अब एक चीज़ ऑब्वियस है कि दोनों साइड से प्रेशर जो है वो ज़्यादा है तो हवा का प्रेशर गाड़ी को ट्रक की तरफ धकेलने की पूरी कोशिश करेगा। अब ये गाड़ी अपने कंट्रोल को कैसे मेंटेन करती है, इट इज़ बिकॉज द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। इसी तरह ट्रक भी इस प्रेशर को कैसे बियर करता है, अपने इनर्शिया की वजह से और जो फ्रिक्शन है टायर और रोड के दरमियान उसकी वजह से। अब यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनको बर्नौलीज इक्वेशन में कैसे डिस्कस करते हैं। वेंट्री इफेक्ट इन परफ्यूम एंड वाटर हीटर्स। अब वाटर हीटर प्रिंसिपल जैसे यहाँ पर आपको एक सिस्टम नज़र आ रहा है कि गर्म पानी को जब हम बहुत स्पीड से इस पाइप में से पास करते हैं तो स्पीड हाई होने की वजह से यहाँ पर इस एरिया में प्रेशर लो हो जाता है और लो प्रेशर की तरफ हवा फिर ऑटोमेटिकली फ्लो होकर फ्लो करके इस हॉट वाटर के साथ मिक्स हो जाती। अब हम बॉडी स्प्रेज जो हैं उनके वर्किंग प्रिंसिपल को देखते हैं कि पहले पहल जब आज जैसी बॉडी स्प्रे की बॉटल्स नहीं होती थी तो लेट से ये एक कंटेनर है जिसमें परफ्यूम एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ से परफ्यूम में एक फनल ऐड करके फिर यहाँ पर एक बैलून था जो एयर पंप के लिए इस्तेमाल होता था और यहाँ पर एक एटोमाइज़र जैसी शेप लगी होती थी। अब होगा क्या कि लेट से दो प्रेशर्स हैं या दो लेवल्स हैं, ये प्रेशर ए है। जब हम इस बैलून को बहुत ज़ोर से प्रेस करते हैं तो यहाँ से हवा बहुत तेज़ी से फ्लो करती, हवा के फ्लो करने की वजह से यहाँ पर प्रेशर होता है लो और कंपैरेटिवली ये जो प्रेशर है ये हाई हो जाता है। ये हाई प्रेशर फ्लूइड को पुश करेगा टू राइज अपवर्ड एंड मिक्स अलॉन्ग विद द एयर और इसको स्प्रे करते ही छोटे छोटे ड्रॉपलेट जो हैं वो हवा में एंटर होना शुरू हो जाते हैं। सो ईच टाइम यू प्रेस दैट बैलून हवा की स्पीड तेज़ होती है, प्रेशर लो हो जाता है। प्रेशर लो होने की वजह से जो लिक्विड का लेवल है वो राइज करता है इस फनल में और एयर के साथ मिक्स होता है और जो परफ्यूम है वो बाहर निकल आता है। आजकल बॉडी स्प्रेज की बॉटल्स में क्या होता है कि जब आप बिल्कुल न्यू बॉडी स्प्रे बॉटल परचेज करते हैं तो उसको दबा कर देखने की कोशिश करें वो प्रेस नहीं हो पाएगी। उसकी रीज़न कि उसके अंदर फ्लूइड लिक्विड तो बहुत थोड़ा सा है, यानी अगर आप उसको शेक करके देखेंगे तो यू कैन फील कि इसमें बिल्कुल थोड़ा सा लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है, ज़्यादातर उसमें जो है वो हाई प्रेशर गैस भरी हुई। तो स्टार्ट में क्या होता है कि लिक्विड का लेवल अंदर बहुत थोड़ा सा है, लेट से वो इतना सा है, लेकिन बाकी जो उसमें भरा हुआ है वो हवा भरी है और बहुत हाई प्रेशर पे भरी हुई। सो जैसे ही आप इस नॉब को प्रेस करते हैं अब अंदर प्रेशर हाई है और एटमॉस्फेयर में प्रेशर लो है, इसको प्रेस करते ही हवा को बाहर आने का मौका मिलता है और हवा के साथ ये जो परफ्यूम है इसके फ्यूम्स ऐड अप होते हैं और वो बाहर निकलते हैं जिसकी वजह से आप बॉडी स्प्रे जो है वो अपने बॉडी पर लगा सकते हैं। तो ये वर्किंग भी बर्नौलीज प्रिंसिपल की वजह से ही है कि एक तरफ प्रेशर हाई है और एक तरफ प्रेशर जो है वो लो है। सो दैट्स द वर्किंग ऑफ परफ्यूम बॉटल्स एंड वाटर हीटर्स। सिमिलरली वेंट्री इफेक्ट इन स्विंग ऑफ अ टेनिस बॉल और स्विंग इन ऑफ अ फुटबॉल। लेट अस इमेजिन कि ये हवा चल रही है इस एक सर्टन डायरेक्शन में और यहीं पर एक फुटबॉल है या टेनिस बॉल है जो इस डायरेक्शन में मूव भी कर रहा है और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन भी कर रहा है। अब अक्सर आप देखते हैं कि फुटबॉल किक्स में बॉल को किक किसी डायरेक्शन में मारी जाती है लेकिन बॉल मुड़ के गोल की तरफ अपना रास्ता इख्तियार कर लेती है। अब हवा के अंदर ये स्पिन पॉसिबल है तो कैसे,
इमेजिन करें कि हवा की एक सर्टेन डायरेक्शन है, तो इस बॉल के दो मोशन हैं, एक तो फॉरवर्ड मोशन और एक स्पिनिंग मोशन। अब स्पिन मोशन पे आपने गौर करना है कि अपर साइड पर जो हवा की डायरेक्शन और स्पिन डायरेक्शन है, ये दोनों ऑपोजिट हैं, तो इस साइड पर जो इफ़ेक्ट ऑफ स्पीड है वो डिक्रीज होगा, वो कम होगा। इस साइड पर स्पिनिंग मोशन और एयर डायरेक्शन एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो फ्लूइड स्पीड है वो ज़्यादा या हाई हो जाएगी। अब जहाँ स्पीड कम होगी वहाँ प्रेशर हाई, और जहाँ स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ प्रेशर लो हो जाएगा, और फोर्स लगेगी किस तरफ से, किस तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। यानी इस बॉल पर जाते जाते हाई से लो की तरफ जब फोर्स लगेगी तो द बॉल विल स्विंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर डिफरेंस, कि जिस तरफ प्रेशर डिफरेंस इस बॉल को स्विंग करेगा उस तरफ इस बॉल ने मुड़ना है बाय मूविंग थ्रू द एयर। फुटबॉलर्स को ये प्रैक्टिस बारहा करवाई जाती है कि बॉल को किस डायरेक्शन में, किस सर्टन एंगल पर किक करें कि बॉल स्पिन करते हुए गोल में एंटर हो। इसी तरह आपने क्रिकेट में देखा होगा कि बॉलर जो हैं वो मुसलसल बॉल को एक साइड से शाइन करते रहते हैं। अब ये शाइनिंग टेक्निक जो है ये भी बर्नौलीज प्रिंसिपल के साथ अटैच है कि एक साइड को शाइनिंग और एक साइड को रफ करने से क्या होता है। लेट्स से ये बॉल, ये उसकी ग्रिप। अब बॉलर फॉर एग्जांपल इस साइड को मुसलसल शाइन कर रहा है और इस साइड को मुसलसल रफ कर रहा है। ये जो बॉल टेम्परिंग है ये भी बर्नौलीज इक्वेशन का ही एक कॉन्सिक्वेंस है कि बॉल को एक साइड से इतना रफ कर देते हैं कि बॉल स्विंग होना शुरू हो जाती है। अब जो शाइनी सरफेस है, जब ये बॉल एयर में मूव करेगी तो शाइनी साइड पे जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी एयर की, रफ़ साइड पे स्पीड कम होगी। यानी यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पे स्पीड कम है। जहाँ स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम, और जहाँ स्पीड कम है वहाँ प्रेशर ज़्यादा। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बॉल पर फोर्स लगेगी। सो आप अगर बॉल करवा रहे हैं और आप बॉल को जिस तरफ स्विंग करना चाहते हैं, शाइनी साइड ऑफ द बॉल को उस तरफ प्लेस कर दें। यानी अगर आप बॉल को लेफ्ट साइड पे स्विंग करना चाहते हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए आप उसे ऑफ स्पिन करना चाहते हैं, तो फिर आप शाइनी सरफेस को राइट साइड की तरफ प्लेस करें, और अगर आप उसे लेफ्ट साइड की तरफ स्विंग करना चाहते हैं तो फिर आप शाइनी सरफेस को लेफ्ट साइड की तरफ प्लेस करें। तो ये दो डिफरेंट सिचुएशंस हैं। इसमें बॉल खुद भी स्पिन कर रही है और स्पिनिंग मोशन की वजह से वो स्विंग हो रही, इसमें बॉल की शाइनी साइड है और वो शाइनी साइड की वजह से स्पिन कर रही। व्हाई स्टूडेंट्स लव टॉपिक नंबर 1। अब हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को निहायत आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2। अब आपको लेक्चर नोट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेबल स्लाइड्स, जिनकी हेल्प से आप अपने घंटों के लेक्चर को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। और अगर एग्जाम करीब हो तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 3। टॉप ग्रेड ओनली ऐप है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक के तमाम पास्ट पेपर्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और ना सिर्फ इतना बल्कि आप उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, और एग्जाम्स का मोर देन 60% इन्हीं पास्ट पेपर्स से आता है। नंबर 4। टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड करता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक, जिसकी हेल्प से आप जब चाहें, जैसे चाहें और जितने चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और अगर टेस्ट सॉल्व करते हुए आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। नंबर 5। आप डेली बेसिस पे अपने डाउट्स को हर टीचर के साथ व्हाट्सएप पर लाइव डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 6। आप अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अगर किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है 20 FLPs। टॉप ग्रेड FLPs की बेस्ट बात ये है कि टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको प्रॉपर डिस्कशन प्रोवाइड करता है। Not only that, top grade हर FLP के बाद आपको ये बताता है कि आप किन subjects, किन chapters और किन topics में weak हैं, ताकि आप उन topics पे ज़्यादा focus कर सकें। Number 7। Top grade offers you custom study schedule as per your need। Number 8। Top grade app में आपको मिलेंगे best guidance lectures which already have inspired thousands of students। Number 9। Progress report की help से आप किसी भी point पे अपनी तैयारी को analyze कर सकते हैं और इसे मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। नंबर 10। अगर आप कोई फिजिकल अकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 4 to 6 hours, लेकिन अगर आप टॉप ग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 12 to 14 hours। इन एडिशन टू दिस, टॉप ग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करके यू विल सेव ट्रैवलिंग कॉस्ट, हॉस्टल एक्सपेंसेस, बुक्स कॉस्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लेंटी ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम।
क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा 4 गुना ज्यादा टाइम. सो व्हाट आर यू गाइस वेटिंग फॉर? विजिट topgrid.pk एंड साइन अप फ्री टू गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप फॉर ऑनलाइन प्रिपरेशन ऑफ FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST एंड GK एंट्रेंस एग्जाम्स. वेंट्री इफेक्ट इन द लिफ्ट ऑफ अ प्लेन. प्लेन का जो पर है उसकी शेप को एरोडायनामिक शेप भी कहा जाता है. एरोडायनामिक शेप कुछ ऐसी, जस्ट लाइक दैट. अब आप सब जानते हैं कि जहाज उड़ने से पहले रनवे पर भागता भी है और उसके इंजन जो हैं, या जो उसके बाहर परों के साथ एक इंजन लगा होता है, वो एक बहुत स्पीडली एग्जॉस्ट क्रिएट करता है, एयर स्पीड को इंक्रीज करता है. अब जहाज के पर की शेप ऐसी है कि अपर साइड पर जो स्ट्रीम लाइन्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाती हैं, जिसकी वजह से स्पीड हाई हो जाती है एयर की और प्रेशर लो हो जाता है. लोअर साइड पर जो स्ट्रीम लाइन्स हैं वो इतना क्लोज नहीं आती, या शेप ऐसी डिज़ाइन की जाती है कि फ्लूइड स्पीड ज़्यादा ना हो सके, तो स्पीड कम होगी और प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया है. देयर इज़ अ प्रेशर, लेट्स से इट इज़ P1 - P2. तो दिस डिफरेंस ऑफ प्रेशर इन द जेट प्लेन इज नेम्ड एज लिफ्ट. जहाज को ज़मीन से लिफ्ट अप होने के लिए या हवा में भी कहीं लिफ्ट अप होने के लिए इसी प्रेशर डिफरेंस की ज़रूरत पड़ती. जहाज अपनी हाइट्स को एडजस्ट करता है कि उसके परों पर लीवर लगा होता है जो अप और डाउन मूव कर सकता है. इसकी अप और डाउन मूवमेंट से हवा के अंदर ही जहाज़ अपने जो एल्टीट्यूड्स है उसको हाई और लो कर सकता है. तो एरोप्लेन का विंग जो है वो जो उसकी एरोडायनामिक शेप है जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करती. इसी तरह वेंट्री इफेक्ट ऑन हैंगिंग बॉल्स है. हैंगिंग बॉल्स, ये आपके पास एक सिचुएशन है कि आप इसे खुद भी घर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि धागों की मदद से दो पिंग पोंग बॉल्स को एक सर्टन डिस्टेंस पे हैंग करें. अब इसके दरमियान से या तो हेयर ड्रायर यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर आप खुद इसमें इनके दरमियान से फूंक मारें. जैसे इसमें से हवा गुजरेगी इनके दरमियान से, वहाँ पे एयर प्रेशर हाई स्पीड की वजह से लो हो जाएगा, साइड्स पे प्रेशर हाई हो जाएगा, तो ये दोनों बॉल्स एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे. पेपर्स की एग्जांपल्स मैंने पहले भी दी कि दो पेपर्स आप यूँ पकड़ लें और इनके दरमियान से हवा गुजारें. बेहतर ये है कि आप हेयर ड्रायर यूज़ करें, वो जैसे ही हवा इसके दरमियान बहुत स्पीड से पास करेगी प्रेशर लो हो जाएगा, साइडों पे प्रेशर हाई होगा, वो इस ऑब्जेक्ट को या दोनों पेपर्स को आपस में अटैच कर देगा. स्टेबल शेप्स की बात करें तो अगर आपके पास ऐसी शेप्स हैं कि जिनमें अपर और लोअर साइड्स पर स्ट्रीम लाइन्स सेम ओरिएंटेशन में हों, कि जितनी क्लोज ऊपर है उतनी क्लोज नीचे, तो हवा में से ये ऑब्जेक्ट इजीली स्टेबल तरीके से पास कर सकते हैं. या फिर ये ब्लॉक है, इसमें भी दोनों तरफ से सेम एजेस हैं, तो जितनी स्पीड हवा की ऊपर होगी उतनी नीचे होगी. फिर इसी तरह अगर आप जहाज़ के पर की शेप को उल्टा यूज़ करें, तो पहले अगर ये शेप लिफ्ट दे रही थी तो अब ये डाउनवर्ड प्रेस करेगी. अक्सर रेसिंग कार्स की बैक साइड पर ये शेप अटैच की जाती है. इस शेप को अटैच करने का पर्पस यही होता है कि अब जब आप एयर में बड़ी स्पीडली मूव करेंगे तो बजाय अपवर्ड लिफ्ट होने के आप डाउनवर्ड प्रेस होंगे. सो चूंकि हाई स्पीड्स पर कार्स जो हैं उनकी रोड ग्रिप बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है, तो उनको रोड की तरफ प्रेस करने के लिए इस शेप को एरोडायनामिकली इनवर्सली यूज़ किया जाता है. इसी तरह एग्जांपल है 2 रो बोट्स. दो बोट्स पानी में जब मूव करेंगी तो उनके दरमियान जो वाटर एरिया है वो कम है. वाटर एरिया के कम होने से जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी और जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा. सो दरिया में, समंदर में या किसी नदी में कभी भी दो बोट्स को बहुत ज़्यादा करीब करीब नहीं मूव करना चाहिए. द रीज़न, उनको लग रहा है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बर्नौलीज़ प्रिंसिपल ऐसे वर्क कर रहा है कि उनके दरमियान जो वाटर एरिया है वो कम है, और जहाँ पर वाटर एरिया कम होगा स्पीड हाई होगी, स्पीड हाई होगी तो प्रेशर लो हो जाएगा.
तो साइड से जो पानी का प्रेशर है वो इन बोट्स को एक दूसरे की तरफ मूव करेगा और यहाँ पर टकराने के चांसेस हैं। ट्रेन एंड अ पर्सन की एग्जांपल ये है कि अगर आप किसी ट्रेन के बहुत करीब खड़े हैं या स्टेशन पर ऐसे खड़े हैं कि आपके बहुत करीब से ट्रेन गुजर सकती है, तो अपना फासला वहाँ से बढ़ाएं, क्योंकि जब ट्रेन ने बहुत स्पीडली वहाँ से गुजरना है तो हाई स्पीड की वजह से वहाँ पर जो वाटर जो एयर प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा और आपकी बैक साइड पर जो प्रेशर है वो बहुत हाई हो जाएगा और हाई प्रेशर से जो फोर्स है वो आप पर लगेगी टूवर्ड्स द ट्रेन। सो इफ़ यू आर स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ अ ट्रेन या राइट एट द प्लेटफॉर्म वेयर द ट्रेन कैन पास विद अ वेरी हाई स्पीड, सो देयर इज़ अ चांस दैट यू कैन फॉल ऑन द ट्रेन। सो यहाँ तक जो बर्नौलीज प्रिंसिपल है उसमें जो जनरलाइज कॉन्सेप्ट हैं ये कि वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड विल बी हाई द प्रेशर विल बिकम लो एंड वाइस वर्सा। तो आपने ये याद रखना है कि जहाँ भी फ्लूइड बड़ी तेज़ी से फ्लो कर रहा है वहाँ पर जो साइड वे प्रेशर है, प्रेशर बिकॉज ऑफ द फ्लूइड ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर्स, वो बहुत ज़्यादा लो होगा और जहाँ फ्लूइड की स्पीड स्लो होगी वहाँ पर उसका जो साइड वे प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होगा। अब वेंट्रीमीटर, वेंट्री रिलेशन, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल से ही हम ये रिलेशन डिराइव करते हैं कि इस रिलेशन से अगर हम देखना चाहें तो हम दो जगहों का प्रेशर डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड फाइंड कर सकते हैं और इवन स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस इक्वेशन की मदद से हम एक डिवाइस जनरेट करते हैं जिसे वेंट्रीमीटर कहते हैं। इस डिवाइस से जो चीज़ मेजर कर सकते हैं हम, दैट इज़ जस्ट द स्पीड ऑफ द फ्लूइड। तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट रिलेशन फॉर क्रिएटिंग सच मीटर्स विच कैन मेजर द स्पीड ऑफ फ्लूइड्स। हेयर इट्स एन एग्जाम्पल कि एक तरफ एरिया ज़्यादा है, स्पीड कम है, स्पीड कम होने की वजह से प्रेशर जो है वो हाई है, और यहाँ पर एरिया कम है, स्पीड ज़्यादा है और प्रेशर जो है वो लो है, और लो और हाई प्रेशर के दरमियान जो यहाँ पर एक हाइट डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो इस इक्वेशन से P1 माइनस P2 1 ओवर 2 रो V2 स्क्वायर वी कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द फ्लूइड। इन द लास्ट वी विल डिस्कस द टॉपिक ब्लड फ्लो। ब्लड इज़ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ब्लड एक आइडियल फ्लूइड की तरह एक प्रॉपर्टी रखता है कि ये इनकम्प्रेसिबल है। इसकी जो डेंसिटी है वो नियरली इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ वाटर है, यानी पानी में ब्लड जो है वो ईजिली डिजॉल्व हो सकता है जस्ट बिकॉज के पानी और ब्लड की जो डेंसिटी है वो सेम होती है। लेकिन ब्लड की जो विस्कॉसिटी है वो पानी से 3 से 5 गुना ज़्यादा है। उसकी रीज़न हाई कंसनट्रेशन, या यूँ कह लें 50% कंसनट्रेशन ऑफ RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स है। अब यहाँ तक इन्फॉर्मेशन है ब्लड की कि व्हाट रियली इज ब्लड। ऑन द नेक्स्ट हैंड वी विल डिस्कस प्रेशर कि प्रेशर जिसे फोर्स पर यूनिट एरिया भी कहा जाता है। अब ब्लड प्रेशर को अगर आपने इमेजिन करना है तो यूँ इमेजिन करेंगे जैसे किसी टायर की ट्यूब है तो अपनी बिल्कुल न्यू फॉर्म में वो बिल्कुल थिन शेप में, यानी उसकी सब लेयर्स आपस में चपटी हुई, लेकिन जब उसको हमने इनफ्लैट करना है तो उसमें से हम किसी फ्लूइड को पास करते हैं या फ्लूइड को फिल करते हैं जस्ट लाइक एयर इनसाइड अ टायर ट्यूब। अब उस एयर ने उस टायर ट्यूब के पर यूनिट एरिया पर प्रेशर एग्जर्ट करके उसकी हर साइड को फ्लैट कर दिया। सो ब्लड वेसल्स इन अ बॉडी और ऑल्सो जस्ट लाइक रबर होजेस। ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये बॉडी में रबर होजेस की तरह होती हैं कि अगर किसी बॉडी में ब्लड ना हो तो ये सब रबर होजेस आपस में चपटी हुई शेप में हो, यानी बिल्कुल सारे लेयर्स आपस में जुड़ी हुई हो। अब जब बॉडी में ब्लड ऐड किया जाए फॉर एग्जांपल, तो ये सारी रबर होजेस जो हैं ये इन फ्लैट होंगी और ब्लड इन रबर होजेस के पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स एग्जर्ट करेगा that will lead to the concept of blood pressure. So here the definition is written ke force exerted by blood per unit area of blood vessels is called the blood pressure. Is blood pressure ke do major levels hain. High level is named as systolic pressure, its value is 120 tor, and low level of blood pressure is called diastolic pressure, it is 80 tor. This 120 tor means ke अपर लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर जो है हमारा वो एटमॉस्फेयर के 760 टॉर से 120 डिजिट्स ज़्यादा है, यानी ब्लड का जो एक्चुअल प्रेशर है वो बेसिकली 880 टॉर है।
लेकिन इस 880 में से एटमॉस्फेयर का 760 माइनस कर दें तो हमारे पास लेवल आता है 120 टॉर। इसीलिए ये रीज़न है कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो इन्फ्लेटेड रहती हैं, अदरवाइज़ ये सिर्फ आप इसे 120 समझेंगे तो 760 तो 120 के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है, वो ब्लड वेसल्स को वैसे ही बिल्कुल पिंच कर देगा। वन टॉर की वैल्यू 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अब मैनोमीटर्स वो डिवाइसेस जो प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज़ होती हैं, और स्फिग्मो मैनोमीटर जो है ये ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। ब्लड कैसे मेजर किया जाता है आर्टरीज में? What makes Top Grade Pakistan's most trusted online academy? Top Grade is offering its online preparation to more than 2 lakh students in 150 plus cities with a Google rating of 4.7 out of 5. Top Grade app ki help se aap kisi bhi physical academy ke comparison mein 10 times better preparation kar sakte hain, wo bhi 75% less fee mein. Top Grade has produced more than 4000 doctors, engineers and IT professionals. Now I will introduce you to our toppers. Meet Ramesh Salman from Islamabad. He has obtained second position in MDK 2022, securing 196 marks out of 200. He is doing his MBBS from Aga Khan University. Meet Radia Wahid from Jhelum. She obtained fourth position in MDK 2022, securing 194 marks out of 200. She is a student of King Edward Medical University. Meet another top grader, Mehroz Ismail from Burewala. She secured fourth position in MDK 2020. She achieved an impressive score of 193 out of 200. She is currently studying at King Edward Medical University. Meet brilliant top grader, Muhammad Ali from Sargodha. He secured a seat in NUST, one of the leading universities of Pakistan. अब मैं आपको मिलवाती हूँ माहीन खालिद से, जिनका ताल्लुक आजाद कश्मीर से है। She also secured her admission in NUST. You can also be our next topper. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST and GK entrance exams. यहाँ पर एक pictorial image है कि बाजू पर जो ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है, ये स्फिग्मो मैनोमीटर है, उसका पैड लपेटने के बाद इस बलून से पंप किया जाता है इस पैड को, जिसकी वजह से आर्टरीज जो हैं वो इतनी ज़्यादा दबती हैं कि ब्लड फ्लो बिल्कुल रुक जाता है। अब यहाँ पर एक डिजिट वर्ड लिखा है कि प्रेशर इन द कफ इज़ ग्रेटर देन 120 मिलीमीटर ऑफ एच जी, ये मिलीमीटर ऑफ मर्करी या इसे 120 टॉर भी कह सकते हैं। सो जब जो ब्लड है इस वक्त आप ये प्रेशर लेवल देख सकते हैं कि ये 120 का लेवल है और यहाँ पर जो प्रेशर है वो 120 से ज़्यादा है, तो ब्लड का फ्लो हमने बिल्कुल रोक दिया है। तो स्टेथोस्कोप अगर यहाँ पर अटैच किया जाएगा तो आपको कोई आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं देगी। सिमिलरली जैसे ही आप प्रेशर को रिड्यूस करके कम करके, यानी यहाँ से आप लेवल कम कर रहे हैं, आप 120 पर आएंगे तो एक सर्ज ऑफ ब्लड जो है वो वेन में से पास करेगी और स्टेथोस्कोप में जो आवाज़ है ब्लड की वो आना शुरू हो जाएगी। ये आवाज़ बिल्कुल दिल की धड़कन से मिलती जुलती होगी, जैसे ये इंटरवल्स में आ रही। इसी तरह अगर आप इस लेवल को रिड्यूस करते जाएंगे तो जो आवाज़ है उसमें स्मूदनेस जो है वो बढ़ती चली जाएगी, और लोअर लिमिट पर आप आएंगे तो ब्लड वेसल्स के ऊपर जो प्रेशर है वो बिल्कुल रिड्यूस हो चुका होगा और जो ब्लड का फ्लो है वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। स्ट्रीमलाइन फ्लो होते ही आपको स्टेथोस्कोप में आवाज़ आना बंद हो जाएगी। सो आवाज़ आने से आवाज़ ख़त्म हो जाने तक के जो दोनों लेवल्स हैं, ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक लेवल्स हैं। फिर यही लेवल जो हैं इनको आप स्टेथोस्कोप की तरफ से स्टेथोस्कोप से रिकग्नाइज करके किसी भी पेशेंट को उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बता सकते हैं कि अ मैन स्टैंडिंग नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन में फॉल टूवर्ड्स द ट्रेन। सिंपल बर्नौलीज प्रिंसिपल है, वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज हाई द प्रेशर विल बी लो। द लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन इज अगेन बेस्ड ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल, स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। इन क्रिकेट व्हेन बॉलर प्रोड्यूस रिवर्स स्विंग द बॉल विल मूव टूवर्ड्स द शाइनिंग साइड ऑफ द बॉल, जिस तरफ शाइन सरफेस होगा उसी तरफ बॉल स्विंग होगी। द लेवल ऑफ इन अ टैंक, द लेवल ऑफ वाटर इन अ टैंक इज 5 meters हाई। अ होल ऑफ एरिया 1 centimeter स्क्वेयर इज मेड इन द बॉटम ऑफ टैंक। द रेट ऑफ लीकेज ऑफ वाटर फ्लो, हेयर यू कैन अप्लाई द इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ ए वी इज इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम।
ए लिखने के बाद या एरिया लिखने के बाद यहाँ पे आप वेलोसिटी लिख सकते हैं अंडर रूट 2gh. तो ये प्रोडक्ट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट द आंसर सी 10^3 मीटर क्यूब पर सेकेंड. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड थ्रू एन ऑरिफिस एट द बॉटम ऑफ द टैंक डज नॉट डिपेंड. हमने इक्वेशन पढ़ी थी वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh1 - h2. सिमिलरली हमने ये भी देखा था कि जो स्पीड है वो एरिया डिपेंडेंट भी है. सो वो एक चीज़ जिस पे ये फ्लो डिपेंड नहीं करता दैट इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. अ 2 meter टॉल सिलेंडर, लेट्स से ये 2 meter टॉल सिलेंडर है, इसमें 4 आइडेंटिकल स्मॉल होल्स हैं डिफरेंट हाइट्स पर, 0.3 meter, 0.6 meter, 1.2 meter, 1.8 meter. अब वो होल जिसमें स्पीड ऑफ इफ्लक्स मैक्सिमम होगी वही होगा जो होल बॉटम के करीब होगा, और वो बॉटम के करीब जो है वो 0.3 मीटर हाई है. सो दैट विल बी द राइट आंसर. अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर अप टू अ हाइट एच. व्हेन अ होल इज मेड एट अ हाइट एच बिलो द लेवल व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल रेंज. वी डिराइव द रिलेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज एज 2√h/h. That will be the right answer. A water reservoir contain h meter high water. There are 4 holes A, B, C, D at a different heights, h by 2, h by 4, and h by 8 respectively. The speed of a flux will be greatest. देखें कि ये total height h है. तो let's say ये h by 8 है. ये होल h by 4 हाइट पे है, ये मिड में h by 2 है, और ये लेट से h हाइट पर है. तो जो होल बॉटम के सबसे करीब होगा वहाँ पे स्पीड सबसे ज़्यादा होगी. तो होल d, a, b, c एंड d, होल d विल हैव द ग्रेटेस्ट स्पीड. द स्पीड ऑफ, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस लिक्विड फ्लोइंग आउट ऑफ द होल b इन अ कंटेनर एज शोन इन द फिगर वेर ए बी इज इक्वल टू 5. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर बेसिकली होता है h1 - h2. उसने आपको h1 और h2 बताने की बजाय डायरेक्टली ये डिस्टेंस बता दिया ए बी. तो यू कैन कैलकुलेट द स्पीड बाय 2g इंटू डिस्टेंस ए बी. सो वैन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन यू विल गेट द राइट आंसर 10 meters per second. अ स्मॉल लीक इज डिवेल्प्ड इन अ लार्ज वाटर स्टोरेज टैंक. If the height of water above the leakage is 10 meter, then find the speed of a flux. अब यहाँ पर लीकेज जो है वो वाटर स्टोरेज टैंक में डिवेल्प हुई है, और उस टैंक से ऊपर जो हाइट है वो 10 meter है. तो यू विल सिंपली यूज द रिलेशन वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh एंड यू विल गेट द आंसर 14 meters per second. द स्पीड ऑफ ए फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल होल इन अ लार्ज टैंक इज 9.8 meter. फाइंड द हाइट एट द फ्लूइड अबव द होल. सिंपल एज वी नो वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh. सो इन ऑर्डर टू फाइंड द हाइट एच विल बी इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर 2g. यू विल अप्लाई दिस रिलेशन एंड यू विल गेट द आंसर 4.9 meter. एज द वाटर फॉल्स फ्रॉम द टैप द क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज ड्यू टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी के एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है इट रिमेन्स सेम. Stokes law holds good for the spherical bodies. The pressure in a pipe of varying cross sectional area, the pressure at smallest radius portion. अब जहां पर पाइप में smallest radius होगा वहां पर speed maximum होगी, जहां speed maximum होगी वहां पर pressure minimum होगा. तो minimum will be the right answer. A water tank 10 meter, height of 10 meter completely filled with water placed on a level ground. It has 2 holes, one at 3 meter and other at 7 meter. The water ejecting from both holes will fall at the same spot. Wrong. क्योंकि different heights हैं, speed different है, speed different होगी तो range different होगी. Upper hole will fall further than that of lower hole. Upper hole से speed कम है तो पानी ज़्यादा दूर नहीं गिरेगा. ये ऑप्शन भी गलत होगी. अपर होल विल फॉल क्लोजर देन दैट फ्रॉम द लोअर होल. ये बात ठीक है कि लोअर होल से जो स्पीड ज़्यादा है
उसकी वजह से पानी ज़्यादा दूर गिरेगा, अपर होल से पानी टैंक के करीब गिरेगा. सो ऑप्शन सी वुड बी द बेटर ऑप्शन. जैसे कि डी है, मोर इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड सो इट विल ऑन अगेन स्किप. सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन. इसको इमेजिन करें तो जस्ट लाइक दैट के लोअर होल से रेंज ज़्यादा होगी और अपर होल से रेंज जो है वो कम होगी. अ सिलेंड्रिकल वेसल इज फिल्ड विद नॉन विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी डी टू अ हाइट एच नॉट एंड अ होल इज मेड एट अ हाइट एच वन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सिलेंडर. द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, अब यहाँ पर ये सिचुएशन है कि ये टोटल हाइट एच नॉट है और जहाँ होल क्रिएट है वो हाइट एच वन है. तो हाइट डिफरेंस पे डिपेंड करती है स्पीड. तो एच नॉट माइनस एच वन इंटू टू जी. सो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन. अगर आपके एफएससी में मार्क्स अच्छे हैं और आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया और प्लेएबल स्लाइड्स की हेल्प से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक में मौजूद 30,000 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अपनी गलतियों से सीखा, तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, आपके ड्रीम कोर्स में आपकी सीट 100% सिक्योर. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PIAS, FAST and GK entrance exams. A ping pong ball floating on the top of vertical water jet. Let's say ek water jet hai and a ping pong ball is floating on the top surface. It is according to the stable equilibrium for displacements in vertical direction, के हर direction से इस पर same और equal force लग रही है, that's why it is in a condition of stable equilibrium. A Shatabadi express train goes past wayside station platform at high speed. A person standing at the edge of the platform tends to fall towards the train, या attracted towards the train will be the right answer according to Bernoulli's principle. जहाँ speed high है प्रेशर लो होगा और लो प्रेशर की तरफ हाई प्रेशर की तरफ से फोर्स लगेगी. मशीन पार्ट्स आर जैम्ड इन विंटर ड्यू टू इंक्रीज इन द विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट्स. लुब्रिकेंट्स जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, टेम्परेचर कम होने से उनकी विस्कोसिटी जो है वो बढ़ जाती है. रेजिडेंट्स ऑफ दोज मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स विच आर फॉर रिमूव्ड फ्रॉम अ म्यूनिसिपल वाटर टैंक generally find it difficult to get water on the top floor even if it is below the level of water in the main water tank. This is due to the loss of pressure when water is flowing. We know that when the speed is high, pressure gets reduced, your pressure becomes low. So because of this low pressure, jo pani hai wo pipes mein zyada bulandi tak nahi ja sakta. Water is flowing in the streamline motion in the tube shown in the figure 7. The pressure is, जहाँ पर एरिया कम है वहाँ पर स्पीड ज़्यादा, और जहाँ स्पीड ज़्यादा है वहाँ प्रेशर कम. अब यहाँ पर प्रेशर हम यूँ लिखेंगे कि ए साइड पे प्रेशर ज़्यादा है और बी साइड पे प्रेशर कम है. सो प्रेशर इज़ मोर एट ए देन एट बी. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन. अ वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग फीड्स वाटर इन द टैप्स ऑन डिफरेंट फ्लोर्स. The water will gush out at highest speed from a top on floor which will be farthest from the tank. Tank से जितनी ज़्यादा height difference रखी जाएगी या जितना ज़्यादा दूर रखा जाएगा tap system को, उतनी ज़्यादा जो speed वो increase करेगी as the speed depends upon the height difference. Water is flowing through a pipe under constant pressure. At some place, the pipe becomes narrow. The pressure of the water at this place, जहाँ पे pipe narrow होगा, speed ज़्यादा होगी, तो pressure कम हो जाएगा, decrease हो जाएगा. A hole is made at the bottom of a tank filled with water. If the total pressure at the bottom is 3 atmosphere, then the velocity of efflux. अब यहाँ पर इस equation को आप एक और form में भी convert कर सकते हैं. यहाँ पर आपको जो बेसिक चीज़ गिवन है वो प्रेशर गिवन है. अब वेलोसिटी की इक्वेशन होती है अंडर रूट 2gh और प्रेशर की इक्वेशन होती है रो gh. यहाँ पर आप एक रिलेशन बना सकते हैं कि p ओवर रो इज़ इक्वल टू gh. तो इस gh की जगह पर
आप पी ओवर रो भी पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रेशर को आप 3 times अगर इंक्रीज़ करते हैं और डेंसिटी यहाँ पर 10^3 यानी 1000 kg/m³ पुट करते हैं तो यू विल गेट द राइट आंसर 20 m/s। सो ये दो फार्मूलाज जहन में रखना है कि स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh एंड स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट 2p/ρ ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। And that's all about applications of Bernoulli's equation. Thank you. You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact 0304-111-5060.